ग्वालियर में मौजूद हैं हम और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पड़ाव जो है ग्वालियर में आप सभी ने देखा। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद हैं। जीतू जी, न्याय यात्रा जो है ग्वालियर से अभी गुजर चुकी है और आगे मध्य प्रदेश में और रहेगी। लोकसभा चुनाव सर पर है, क्या लग रहा है, कितना असर इस यात्रा का पड़ेगा? नहीं, बात लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण एक देश की राजनीति का पड़ाव आया है। भारत जोड़ो यात्रा चूँकि मध्य प्रदेश में कल ही इंटर की है, तो जो अभूतपूर्व स्वागत सत्कार और जो ग्वालियर चंबल की माटी और पानी जैसा ही यहाँ का स्वागत हुआ वो अकल्पनीय था। हमारी भावनाओं के एकदम अपर साइड था, बहुत जैसा हमने सोचा उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा। अब बात है, राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए वो चाहे समर्थन मूल्य की गारंटी की बात हो किसानों की, चाहे अग्निवीर योजना जिस तरीके से देश में आने वाले समय में विकराल रूप लेगी, 1-4 साल में बच्चा बेरोजगार होगा, वेपन बच्चा एकदम हथियार चलाने में हर तरीके से लेस बच्चा अगर किसी प्रकार के आंदोलन करेगा तो देश में एक तरह से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने अमीर और गरीब की जो खाई जो बढ़ रही है वो अकल्पनीय है। 10-15% लोगों के पास 75% 80% संपत्ति चली गई। मीडिया एक तरह से कंट्रोल में उद्योगपतियों के आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये सब सवाल है और इन सवालों का आम जनता से जब वो संवाद करते हैं तो लोगों का जो प्रतिसाद रहता है बहुत सकारात्मक रहता है। मैं मानता हूँ राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता कनेक्ट कर रही है। तो लोकसभा चुनाव पर यात्रा से, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कल उत्साह दिखा राहुल गांधी की यात्रा के बाद से, तो क्या लग रहा है कि इसका असर अब लोकसभा चुनाव पर ग्वालियर चंबल पर खासतौर पर पड़ेगा? 100% सब दूर पड़ेगा, पूरे प्रदेश में पड़ेगा। और मुद्दा क्या था लोकसभा विधानसभा चुनाव जो हम हारे, हम 3,2700 रुपये गेहूँ का दाम देने की बात मोदी गारंटी की थी, 3100 धान का दाम मोदी गारंटी की बात थी, 3000 बहनों के खाते में डालने थे। इस 3 महीने में कुछ भी पूरा नहीं किया, एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। देश में जब 14 में मोदी जी चुनाव लड़े थे तब 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। अग्निवीर योजना है जिसमें 4 साल के रोजगार के बाद बेरोजगार होना है, देश विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार हो गई। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात थी, अर्थव्यवस्था 255 लाख करोड़ के कर्ज में आ गया। ऐसा एक राज्य नहीं है जो 4 लाख करोड़ के कर्ज में नहीं है। तो आखिर देश की अर्थव्यवस्था तात्कालिक तौर पे तो कर्ज लेके चल रही है, पर दीर्घकालीन देश किस भयावह स्थिति में जाएगा? तो ये सब सवाल है और ये इनके जवाब बीजेपी को इस लोकसभा में देने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की सूची बीजेपी की आ गई है, कांग्रेस की सूची को लेकर क्या कुछ? जल्दी हमारी नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद मध्य प्रदेश की सीटों पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, एक सवाल और है कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जो आदेश करेगी वो सब करूंगा। आप अध्यक्ष बने, उसके बाद कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है मध्य प्रदेश में और बीजेपी में गए हैं। कई नेताओं ने नहीं छोड़ी, कुछ छुट भैया नेताओं ने छोड़ी। मेयर भी शामिल है? कोई बात नहीं, मेयर को लगता है कि मैं सत्ता के साथ रह के अच्छी सेवा कर सकता हूँ तो मुबारक हूँ, इसलिए नहीं कि कोई कुंठा है मेरी, इसलिए कि जिस आदमी में अपने एथिक, किसी भी व्यक्ति में अपने एथिक को अपने अपने राजनीतिक एक आइडियोलॉजी को आत्मसात करने की स्थिति नहीं है, वो हमेशा न खुद का भला कर सकता है, न पार्टी का कर सकता है, न जनता का कर सकता है। तात्कालिक लाभ मैंने एक लिस्ट जारी की थी, आपने भी चलाई थी, पिछली बार भी ऐसे ही लोगों ने करीब 65 लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, उसमें से 5-7 लोग अभी राजनीतिक पदों पर है, बाकी कहाँ है पता नहीं। इसका मतलब क्या था कि तात्कालिक उनने सोच बनाई थी, दीर्घकालीन उनका भी नुकसान हुआ, पार्टी का भी हुआ, प्रदेश का भी हुआ, तो ऐसे ही मेयर का। सिंधिया जी भी चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा का, लेकर क्या बीजेपी को जाने हमें क्या लेना? एक मेरा अंतिम सवाल मेरा वो ये है कि कितनी सीट लोकसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सोच रही है? हम 29 की 29 सीट पर जीत के लिए लड़ेंगे, पर 15 सीट हमारी अच्छे से आ सकती है, ये हमारी कल्पना है। तो देखिए, 15 सीटों की बात जो है जीतू पटवारी ने यहाँ पर कही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये कहा है कि 15 सीटें लोकसभा चुनावों में कांग्रेस जो है वो आने वाले जीतेगी। साथ ही सूची को लेकर कांग्रेस की जल्दी सूची आने की बात जो है वो जीतू पटवारी ने कही है।